हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नूडल्स। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है एंड आज सैटरडे है, तो मॉर्निंग में मैंने सोचा कुछ डिलीशियस सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं और ये बनाना इजी भी है। तो यहाँ पर मैंने जो हाका नूडल्स आती हैं ना चिंग ब्रांड की, तो उसको मैंने सिंपली बॉइल्ड किया और चॉप्ड गार्लिक, कैरेट, कैप्सिकम, अनियन और बटर के साथ फ्राई कर दिया। और इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी डाला है। तो ये बनाना बहुत ही इजी है। और इसको एक और फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैं चिंग्स की जो सेजवान चटनी आती है, एक बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूँगी, तो इससे फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। और साथ में चाय भी बन रही है। ये यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच चिंग सेजवान चटनी का। और इसी ब्रांड की मैंने हाका नूडल्स भी ली थी, उसको सिंपली बॉइल्ड किया था नमक के साथ और 2-3 मिनट में ही बॉइल्ड हो जाती है। बहुत इजी है इसको बनाना। तो ये बहुत ही टेस्टी से वेजिटेबल हाका नूडल्स रेडी हैं और अभी हम इसको इंजॉय करने वाले हैं। A few hours later. So friends, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और अभी 12 बज रहे हैं। तो मैं आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। तो बाहर हल्के हल्के से बादल हैं, मे बी बारिश हो सकती है। और अब मैं लंच भी बनाने की तैयारी पर हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है, तो आज दिन में सिंपल दाल चावल ही बना रही हूँ मैं। एंड कल रात को मैंने यहाँ पर उड़द दाल भिगो के रखी थी, क्योंकि मुझे इडली डोसा का बैटर बनाना था, तो मैंने उड़द दाल सेपरेटली भिगोई थी और इडली राइस भी भिगोए थे। तो ये जो हैं इडली राइस हैं, और इसमें मैंने 1-2 चम्मच मेथी दाना भी डाला था, बिकॉज़ जब भी डोसा बनता है ना, तो उसका कलर, एक अच्छा सा कलर जो आता है, वो मेथी डालने से ही आता है। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। और ये उड़द दाल का थोड़ा सा मैंने थिक बैटर बनाया है, ये मैंने दही भल्ले बनाने के लिए बनाया है। और जो बचा हुआ उड़द दाल का बैटर है वो मैंने वाटरी रखा है, तो इसको मैं इडली राइस के बैटर के साथ मिक्स कर दूँगी और कम से कम 5-6 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो फिर ये 5-6 घंटे में फर्मेंट हो जाएगा, कि थोड़ी गर्मियां हैं तो गर्मी में जल्दी फर्मेंट हो जाता है। अदरवाइज़ आपको ये पूरी रात भी रखना पड़ता है, अगर मौसम थोड़ा ठंडा है तो। तो वैसे मैं इसको कल ही यूज़ करने वाली हूँ, तो फ़िलहाल तो मेरा कोई प्लान नहीं है इडली या डोसा बनाने का। तो इसका मैं संडे को, कल संडे है तो कल ही मैं इडली बनाऊँगी। और जो आपको दही भल्ले का बैटर दिख रहा है, इसका देखते हैं कब बनते हैं ये। तो इसको मैं डायरेक्ट ढक्कन लगा के अंदर फ्रिज में रख रही हूँ। इडली डोसे का बैटर बहुत ज़्यादा बन गया था, इसीलिए मैंने 2 सेपरेट बाउल्स में इनको फर्मेंट होने के लिए रखा है। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये मैं किचन में जब भी काम कर रही होती हूँ तो बेबी पूरा उसका फ़ायदा उठाती है और पूरा कैबिनेट से सामान वगैरह निकाल देती है। जहाँ जहाँ तक उसकी पहुँच होती है वो सारा सामान निकाल के नीचे खेलती है और फेंक देती है। और ये देखिए लिविंग रूम में भी उसने पूरा सामान उथल फुथल कर दिया है और कुशंस वगैरह सब नीचे फेंक दिए हैं। सो गाइज, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं पूल में। तो लंच करने के बाद ही 1 घंटे के अंदर ही आई थिंक हम पूल में आ गए थे, तो हमने सोचा थोड़ा बहुत बेबी के साथ मस्ती मार लेंगे यहाँ पर। तो बेबी को पानी के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हम उसे पूल में लाते रहते हैं। तो यहाँ पे हम 1-2 घंटे के लिए आए हैं और ये हमारा सोसाइटी का ही स्विमिंग पूल है, तो आप कभी भी आ जा सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी ठंडा पानी हो रहा था इस टाइम, बट स्टिल बेबी को बहुत ही मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे हम कर रहे हैं पूल में मस्ती।
सो गाइज, पूल से आने के बाद बेबी को लग गई भूख, क्योंकि पानी में जब भी खेलते हैं ना तो भूख लग ही जाती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ पैनकेक्स। तो ये रेडीमेड पैनकेक बैटर है, बस इसमें आपको पानी डालना होता है और मिक्स करना होता है, और इसके इजीली आपके पैनकेक बन जाते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर पैनकेक्स रेडी हैं और इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ हनी। तो ये हनी सिरप है, तो पैनकेक्स के ऊपर हनी सिरप या चॉकलेट सिरप डालें तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चॉकलेट सिरप तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, बट हनी देना बेबीज़ के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं हनी डाल के उसको ये पैनकेक्स खिला दूँगी और उसके बाद वो जाएगी सो। और यहाँ पे देखिए बाहर कितनी ज़ोरों शोरों से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज़, यहाँ पर मुझे भी भूख लग चुकी थी, इसीलिए मैंने सोचा याकुल्त पी लेते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने लिए सैंडविच बनाने के लिए रख दी है। तो ये सिंपल वेज एंड चीज़ सैंडविच है, इसके अंदर मैंने अनियन, टमाटो, कैप्सिकम एंड चीज़ डाल के बनाई है। तो ये मेरी क्रिस्पी सी यम्मी सी सैंडविच भी रेडी है। तो अब मैं इसको करूँगी इंजॉय। सो गाइज़, यहाँ पर ये देखिए एक क्यूट सी फ्रॉक मैंने निकाल दी है बेबी की। तो ये उसकी फ़र्स्ट बर्थडे की फ़्रॉक है, तो अभी भी उसको ये फिट आ रही है, तो मैंने सोचा आज इसको पहना देते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने लिए भी एक ड्रेस निकाल दी है। तो ये हम दोनों अभी रेडी हो चुके हैं। और ये हम क्यों रेडी हुए हैं, बिकॉज़ हम लोग जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी में। तो बेबी की एक फ्रेंड है, उस वो 2 साल की हो चुकी है, तो उसका बर्थडे है और ये रहा उसका गिफ्ट। तो अभी हम दोनों निकल रहे हैं बर्थडे पार्टी के लिए और हस्बैंड नहीं आ रहे हमारे साथ, तो बस हम दोनों ही जा रहे हैं। तो 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। तो ये है मेरी फ्रेंड का घर जहाँ ये बर्थडे पार्टी चल रही है। तो यहाँ पे बेबी ने भी बहुत ही इंजॉय किया, और इंजॉय करने के बाद हमने डिनर भी यहीं किया और उसके बाद हम लोग आ गए घर वापस। The next day. Hello everyone, welcome to my channel. और कैसे हैं आप सब? तो आज है संडे और अभी शाम के 5 बज रहे होंगे। सो गाइज, हम लोग अभी अभी बाहर से आए हैं और वही खाने पीने का सामान लेने के लिए गए हुए थे। तो वीकली जो भी सामान आना होता है तो वो वीकेंड के एंड में ही हम लेके आते हैं मोस्टली। और जो कल मैंने बैटर बनाया था इडली डोसे के लिए, जो मैंने आपको दिखाया अभी पिछली क्लिप्स में, तो वो भी रेडी हो चुका है और मैंने उसको फ्रिज में लगा दिया है। तो शाम को मैं इडली या तो फिर डोसा बनाऊंगी, तो आपको भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे इडली एंड डोसा बनाती हूँ। सुबह 12 बजे के करीब हम लोग बाहर निकल गए थे, तो हमने लंच भी बाहर किया। उसकी मैंने वीडियोस नहीं बनाई बिकॉज वही सेम हो जाता, मैं हमेशा वही आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। तो हम लोग लिटिल इंडिया गए थे और हमने ग्रॉसरी शॉपिंग करी, और उसके बाद मैंने अपनी जो ट्राउज़र आपको दिखाई थी उसको भी ऑल्टर करवाया है, जो मैंने लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में आई थिंक आपको दिखाई थी, एक ब्राउन कलर की ट्राउज़र, उसको मैंने ऑल्टर करवाया है। तो अब मैं फाइनली उसको पहन सकती हूँ। एंड आज मैंने अपने लिए थोड़ी सी और शॉपिंग की है, तो मैंने अपने लिए
फुटवेयर्स भी लिए हैं, तो मुझे वो डिज़ाइन काफ़ी यूनिक लगा। एज सच ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा शॉपिंग करने का, बट वो फुटवेयर्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे तो मैंने ले लिए अपने डेली वेयर पहनने के लिए। तो उनको भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे सैंडल्स लिए हैं। और अभी जो ब्लॉग है वो कंटिन्यू रहेगा, डिनर के बाद ही मैं ब्लॉग को एंड करूँगी, तो आप लोग देखते रहना। घर से आने के बाद बेबी को तो बहुत नींद आ रही थी, तो वो गाड़ी में भी सो रही थी, तो अभी वो सो चुकी है, अपना इवनिंग नैप ले रही है और मैं और हस्बैंड अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं। तो चलो मैं आपको सबसे पहले अपने सैंडल्स दिखा देती हूँ जो मैं लेके आई हूँ। आई होप आपको भी अच्छे लगेंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगे। सो गाइज, ये है वो ट्राउज़र जो मैंने ऑल्टर करवाया है, और एक मैंने ये ब्लू कलर की स्लीपर्स ली हैं। इसमें कुछ फ्लावर्स का पैटर्न है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन लगा मुझे ये। एंड एक मैंने ये इस टाइप की सैंडल्स ली हैं, इसमें यहाँ पर कुछ सॉफ्ट सा कपड़ा है जिसकी ये एक ब्रिड सी बनाई हुई है। तो ये मैंने दो सैंडल्स ली हैं, और इसमें ज़्यादा हील नहीं है, इस तरह की हैं ये, और इसमें भी ज़्यादा हील नहीं है, बस थोड़ा बहुत है ये। फ्रेंड्स बताना ये कैसी लगी आपको, ये डिज़ाइन कैसे लगे, और कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाहर लग चुकी है बारिश, और बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही है। थैंक गॉड हम लोग घर जल्दी आ गए। सो गाइज, बारिश लग पड़ी है और कपड़े बाहर सूख रहे हैं, तो मैं जल्दी से कपड़े निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, अब मैं इनको बेड में फेंक देती हूँ, बिकॉज अभी भी ये थोड़े थोड़े गीले टाइप हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बेबी उठने वाली है और वो उठने के बाद ही कुछ ना कुछ खाती है, तो यहाँ पे मैं उसके लिए थोड़ी सी ब्रोकली बॉइल्ड कर रही हूँ। बस इसमें मैं सिंपली नमक छिड़क दूँगी और इसको स्टीम करने के लिए रख दूँगी। अगर आप ब्रोकली को डायरेक्टली बॉइल करते हैं ना, तो उसकी सारी विटामिन्स निकल जाती है पानी में ही, तो आप अगर इस तरह से स्टीम करके बच्चों को ब्रोकली देंगे थोड़ा सा नमक डाल के, तो उसको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे बीच बीच में मैं चेक भी कर रही हूँ कि ब्रोकली हो गई या नहीं, बस मुझे ये 90% पकानी है, बिकॉज बिल्कुल मैशी भी अच्छी नहीं लगती, तो अगर थोड़ी सी हार्ड सी बनी हो तो बेबी इसको हाथ में पकड़ के खा लेती है आराम से। और अब मैं डिनर की तैयारी भी करूँगी, तो अभी मैं बनाऊँगी इडली एंड सांभर, तो सिंपल सा डिनर करेंगे, क्योंकि हमने बाहर लंच किया था तो थोड़ा हैवी हो गया था, तो अभी बस हल्का फुल्का इडली सांभर खाएंगे और डिनर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने एक बैच इडली का बना लिया है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे इडली बनाती हूँ। तो ये बचा हुआ बैटर है, अब मैं एक और बैच इसका बनाऊँगी। तो मेरे जो इडली स्टैंड है उसमें 12 इडली एक बार में बन जाती है, बट मैं लास्ट वाला स्टैंड यूज़ नहीं करती, कई बार उसमें पानी चला जाता है, इसीलिए एक बार में मैं 9 इडलीस बनाती हूँ, तो हम तीनों के लिए ये काफ़ी है। 9 × 2 = 18, तो हमारे लिए 18 इडलीस काफ़ी हैं, मुझे, बेबी और हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे इडली स्टैंड है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीसिंग कर लिया है, अदरवाइज़ इडली निकालना ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं ग्रीसिंग करने के बाद यहाँ पे इडली स्टैंड में ये जो बैटर है ये रख रही हूँ, और इसको मैं प्रेशर कुकर में लगा दूँगी इस इडली स्टैंड को, और ये लगभग 10 मिनट में सारी इडलियाँ फूल के बन जाएंगी।
तो मेरे लिए इडली बनाना बहुत ही इजी है, बिकॉज़ मेरे पास ये स्टैंड है और ये मेरा 5 लीटर का कुकर है, इसमें मैं इसको रख देती हूँ। और मेरे पास वो प्रॉपर इडली स्टैंड नहीं है, बिकॉज़ हम मंथ में 1-2 बार ही इडली वगैरह बना के खाते हैं, तो ऐसे कुछ रेगुलर नहीं खाते, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फुल गैस है, और जब भी आप कुकर में इडली बनाएं तो ये सीटी इसकी निकाल दें। ओके, तो यहाँ पे सारी इडलियाँ बन के रेडी हैं और मैंने होट केस में निकाल ली हैं, तो इसमें गर्म रहेंगी जब तक हम खाएंगे। तो सांभर भी बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ 4 इडलियाँ निकाली हैं अपने खाने के लिए, और बाकी हस्बैंड को मैंने दे दिए हैं, वो अपना डिनर इन्जॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा पहले वीडियो बना लेती हूँ, फिर उनके साथ ज्वाइन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 इडलियाँ रखी हैं और ये मैंने ऊपर से डाल दिया है सांभर। तो मैं थोड़ा सा थिक सांभर ही बनाती हूँ, मुझे बिल्कुल वाटरी पसंद नहीं है। और ये यमी सा डिनर रेडी है खाने के लिए। सो आई होप गाइस आपको मेरा ये सैटरडे एंड संडे का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, बाकी आपकी इच्छा। सो फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you so much for watching. See you in the next vlog soon. Bye bye.